अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मजे में खुश हैं और सर्दी वर्दी एंजॉय कर रहे होंगे और जादू रिएक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। यार ये मुझे ठंड बड़ी लगती है तो मैं ये हुड पहन लिए। बाकी ये कि यार हमारा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बताओ कमेंट में कैसे व्लॉग्स लग रहे हैं। हम डेली व्लॉगर बन चुके हैं और आप हमें वो देंगे ना, मोटिवेट करेंगे तो हम और लाएंगे, अगर अच्छा आएगा तो हमें भी जज्बा आएगा। सो आज हम लोग काफी टाइम के बाद इंडियन बाइक्स वर्सेस पाकिस्तानी बाइक्स देखने जा रहे हैं और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जब भी हम देखते हैं इंडिया की हजारों नई बाइक्स आई होती हैं और हमारी वही होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ देखते हैं इसमें। हाँ, एक चीज हमारी होती है कि हमारी प्राइसेस बढ़ गई होती हैं पहले से ज्यादा। बाइक्स वही होता है तो यार मतलब इंडिया में इतनी वैरायटी है ना कि इंडिया में हैवी बाइक्स मिल जाते हैं। हाँ, बहरहाल यूथ पहाड़ी चैनल है जिससे हमारे पास ये वीडियो है, देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। दोस्तों, क्या आपको आइडिया है 2024 की स्टार्टिंग तक हमारे कंट्री इंडिया की सबसे महंगी मोटरसाइकिल या फिर बाइक कौन सी है और क्या होगा जब हम इंडियन बाइक्स को कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की बाइक्स के साथ में? किस कंट्री में ज्यादा अच्छी बाइक्स मिलती हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी एक बाइक लवर हैं तो आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है या फिर आपके घर में कौन सी? हमें तो इंडिया की अभी तक पल्सार पसंद आई थी, एक पल्सार। तो दोस्तों, इंडिया में टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स 326.3 मिलियन है, यानी कि 32 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में, जिसमें लगभग 21 करोड़ तो टू व्हीलर्स हैं और रजिस्टर्ड बाइक्स का नंबर 80 मिलियन से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में केवल 64 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जिसमें बाइक्स का नंबर 23 मिलियन के समथिंग है। इंडिया दुनिया का फोर्थ सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बनाने वाला कंट्री है, जिसने 2022 में लगभग 16.2 मिलियन बाइक्स की सेल की डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं अपनी बाइक्स को दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। वहीं पाकिस्तान दुनिया में 33वें नंबर पर आता है सबसे ज्यादा बाइक्स का प्रोडक्शन करने में, जिसमें भी बाइक्स की स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान के पास कोई भी खुद का ब्रांड नहीं है जो कि बाइक को मैन्युफैक्चर करता हो। 2022 में पाकिस्तान में 1 मिलियन से भी ज्यादा बाइक सोल्ड हुई थी, जिसमें 3 व्हीलर्स भी शामिल थे। बाइक्स एक्सपोर्ट करने की लिस्ट में पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में भी नहीं आता। दोस्तों, ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया में 48% पॉपुलेशन के पास बाइक की ओनरशिप है। इंडिया में 130 से भी ज्यादा बाइक्स बनाने वाले ब्रांड्स हैं। साथ ही इंडिया में एक एवरेज बाइक की कॉस्ट 45,000 इंडियन रुपए होती है। इंडियन बाइक्स को बनाते समय स्पीड, फ्यूल एफिशिएंसी, काफी चीजों को ध्यान रखा जाता है, परफॉर्मेंस एंड अफोर्डेबिलिटी का खासा ध्यान रखा जाता है। डिजिटल वाले भी आए हैं। 130 ब्रांड हो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के पास बाइक की ओनरशिप है। पाकिस्तान में भी 100 से भी ज्यादा बाइक्स बनाने वाले ब्रांड सबको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में एक एवरेज बाइक की कीमत सारे सेम देखते हैं 1000 पाकिस्तानी रुपए होती है। एंड पाकिस्तान की बाइक्स का की फीचर है फ्यूल एफिशिएंसी ड्यू टू लाइट इंजन एंड लाइट लुक। इसके बाद इंडिया में सबसे सस्ती बाइक बजाज सिटी 100 है, इसकी कीमत 35,000 भारतीय रुपए है। सही है। सबसे महंगी बाइक की बात करें तो यह डुकाटी सुपर लेग्रा V4 है, इसका प्राइस 1.1 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान की सबसे चीपेस्ट बाइक चाइना 70 है और इसकी कॉस्ट 50,500 पाकिस्तानी रुपए है और यह पाकिस्तान में मोस्ट अफोर्डेबल बाइक है। एक्सपेंसिव बाइक की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे महंगी बाइक कावासाकी निंजा H2 है और इसकी कॉस्ट 31 लाख पाकिस्तानी रुपए है। टॉप 5 बाइक्स का कंपैरिजन देखें, टॉप 5 बाइक्स में हीरो स्प्लेंडर प्लस, हीरो HF डीलक्स, बजाज प्लेटिना, TVS रेडर 1 पल्सर। पाकिस्तान की टॉप 5 बाइक्स में चाइना 70, होंडा CD70 लाख प्लस है, 125, सुजुकी 150 एंड यामाहा YBR 125 का नाम, ये 4 लाख की होगी। टॉप 5 हैवी बाइक्स कंपैरिजन, तो गाइस दोनों ही कंट्रीज में हैवी बाइक्स अवेलेबल है। इसका प्राइस 87 लाख इंडियन रुपए एंड वेट 172 लाख इंडियन रुपए एंड वेट 216 kg। बिग डॉग के 9 रेड चॉपर प्राइस 59 लाख एंड मूवीज में ऐसे होता है। डुकाटी पैनिगल V4R प्राइस 51 लाख एंड वेट 100। ये तो सही मतलब जो पाकिस्तान में मिल रहा है 81 का, इसका प्राइस 6 लाख इंडियन रुपए एंड वेट 431 kg है।
पाकिस्तान की टॉप 5 हैवीएस्ट बाइक में सुजुकी इंट्रूडर का नाम आता है। इसका प्राइस है 1.50 लाख पाकिस्तानी रुपए। नहीं यार ज्यादा होगा, इतने में तो वो आती है सीडी 70। इसका वेट है 183 kg एंड प्राइस 2,10,000 पाकिस्तानी रुपए। ज्यादा होगा। नंबर पर आती है सुजुकी GSX R 600। इसका प्राइस 7,46,000 PKR एंड वेट 187 kg है। होंडा CBR 150। इसका प्राइस एंड इसका वेट 192 kg है। एंड फिफ्थ नंबर पर यामाहा Y2F R6 15 लाख। नहीं ज्यादा होगा। प्राइस 15 लाख एंड वेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टॉप बाइक ब्रांड्स की बात की जाए तो इंडिया के टॉप ब्रांड्स में हीरो बजाज टीवीएस हमने सारा देखा ऑटो लिमिटेड टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड रॉयल एनफील्ड यामाहा मोटर्स रॉयल एनफील्ड का नाम आता है। जबकि खुद बनाते हैं टॉप 5 बाइक्स ब्रांड में यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज एटलस होंडा लिमिटेड पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी यामाहा मोटर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड एंड TYL मोटरसाइकिल। TYL मैंने कभी नहीं सुना है। आपको अच्छा यार मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने हमें ये भी बताया कितनी बाइक्स कहाँ पे बनती हैं, कितने परसेंट लोग बाइक्स। अच्छा इंडिया पाकिस्तान में देखा जाए तो ये टू व्हीलर्स बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं क्योंकि अफोर्डेबल रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि अगर 100 ब्रांड्स वो बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 100 हैं, इंडिया में 130 बता रहे हैं। इंडिया में सबसे अच्छी बात मैन्युफैक्चर होती है, इधर पार्ट्स मंगवा के असेंबलिंग होती है, ठीक है। और इंडिया में जो फीचर्स हैं या आप सिर्फ लुक्स देख लें तो वो देखकर दिल खुश हो जाता है। एक हमने वीडियो देखी थी उसमें उनके डिजिटल थे बाइक्स, डिजिटल भी थे। और जिस तरह इन्होंने एंड में पाकिस्तानी हैवी बाइक्स की प्राइस 1.5 लाख बताई है ना, मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूं कि एक नॉर्मल बाइक जो CD70 है हमारी यहाँ होंडा एटलस की वो 1 लाख प्लस है। तो हैवी बाइक तो 1.5 लाख की नहीं हो सकती। ज्यादा फर्क है कि जो चीपेस्ट पाकिस्तान में प्राइस बताई है 50,000 और इंडिया में 35,000। देखिए ये बात है कि मतलब इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर होती है ना, तो हमारा ये कि खुद मैन्युफैक्चर नहीं होती, बाहर से पार्ट्स आते हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्राइसेस। और लेकिन हमारी तो खैर टैक्स ट्रिक्स भी बहुत लगते हैं। उसके अलावा ये है कि इंडिया में फीचर्स का ध्यान, सेफ्टी का ध्यान, फ्यूल सब रखा जाता है। और क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स और में कॉम्पिटिशन है तो प्राइसिंग बहुत अच्छी होती है। और इंडिया में तो जाहिर है हमने हर एक्टर के पास भी देखे ना हैवी बाइक्स, लेकिन पाकिस्तान में मैंने हैवी बाइक्स बहुत ज्यादा नहीं देखे। महंगे बहुत है ना यहाँ पे, ज्यादातर लोग गाड़ियाँ लेना प्रेफर करते हैं यहाँ पे। नहीं हैवी बाइक्स रखते हैं लोग जिनको शौक है, बहुत ज्यादा नहीं, और शौक की बात है, लेकिन यहाँ एक्सपेंसिव बहुत है। एक बताया था ना 81 लाख का जो पाकिस्तान, वो 81 से भी शायद अब ज्यादा हो गया। तो पाकिस्तानी बाइक्स जो इन्होंने बताए उनका मुझे डाउट है कि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं उससे। लेकिन ये वही एक डिबेट है कि जिसपे बहुत लंबी बात चल सकती है। तो इंडिया की जो बाइक्स हैं हमें भी उस तरह की बाइक्स बनानी चाहिए और कम अफोर्डेबल प्राइस में। ये तो अगर आपकी अपनी कंट्री में बाइक्स बनेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ी फिर जाहिर है थोड़ी रीजनेबल भी हो जाएंगी अगर अपनी कंट्री में अगर आपकी बने तो यार इंडिया का कहते हैं ना फिफ्थ नंबर पर आता है। हाँ इंडिया फिफ्थ नंबर पे आता है। इंडिया की एक्सपोर्ट भी होती हैं बाइक्स, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होती और हम 32वें नंबर पे आते हैं दुनिया में। तो खैर यार दैट्स इट। रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो सो व्हाट डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, हमें व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह लाएंगे आपके लिए नए नए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन डेली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।